देखिए इंग्लिश में एक वर्ड है आपका जनरस, GENEROUS, जनरस। तो इस वीडियो में जनरस का इंग्लिश और हिंदी में क्या अर्थ और मतलब होता है जानेंगे, एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में इस शब्द को यूज करके अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए जनरस हिंदी में अर्थ होता है उदार, दयालु, कृपालु, मेहरबान, सखी, महात्मा, त्यागी, मतलब बड़ा दिल या फिर जीवन में त्याग देने वाला या त्याग करने वाला। इंग्लिश में सिनोनिम्स आते हैं इसके, गुड हार्टेड, काइंड, बेनिफिशेंट, गुड, ग्रेसियस, हॉस्पिटेबल, सोशल या चैरिटेबल एंड इट इज, मतलब और भी इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में शब्द को अच्छी तरह समझते हैं। जैसे बोलेंगे ही इज अ हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड जनरस मैन, मतलब वह एक मेहनती, ईमानदार और सखी आदमी है, दयालु आदमी है, कृपालु आदमी है। दूसरा एग्जाम्पल है कि गॉड इज ग्रेट, ग्रेसियस एंड जनरस, मतलब ईश्वर बड़ा दयालु है और उदार है, महान है। ठीक है, तो उम्मीद है आपने जनरस शब्द को इंग्लिश और हिंदी में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेयर डेस्क।